21 आज मैं आप लोगों के साथ में अपनी शादी की एल्बम शेयर करने वाली हूँ। मैं सोच रही थी बैठे बैठे कोई ब्लॉग तो था नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो शादी की एल्बम ही शेयर कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को एल्बम अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ में। और मैं आपको चलो दिखाती हूँ अपनी वेडिंग एल्बम कैसी बनी है मेरी, और आप लोग बताना कि कैसी लगी आप लोगों को सभी लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कवर है, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर इनकी फ़ोटो लगी हुई है सिंगल, यहाँ पर मेरी एक फ़ोटो लगी हुई है सिंगल, और यहाँ पर हम दोनों की फ़ोटो लगी हुई है, और यहाँ पर भी हम दोनों की फ़ोटो लगी हुई है, और यहाँ पर हमारा नाम लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, हार्ट शेप में लिखा हुआ है। तो मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरी आँखें कितनी छोटी छोटी सी हो गई हैं, और आप लोग देख लीजिए मेरा पूरा मेकअप यहाँ पर। आप लोगों को, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है मेरा मेकअप। और यहाँ पर ये गणपति बप्पा बने हुए हैं, और यहाँ पर लिखा है वेडिंग सेरेमनी, और हम दोनों का नाम लिखा हुआ है। और अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर इनका सिंगल फ़ोटो लगा हुआ है, देखो कैसे स्माइल कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, और यहाँ पर मेरा पूरा फुल का फ़ोटो लगा हुआ है। आप लोगों को मैं अपना फुल लुक दिखाती हूँ, और ये है मेरा फुल लुक। इसमें लहंगा ये ब्लैक लग रहा है, लेकिन मैंने ब्राउन लहंगा पहना था, ब्लैक नहीं था, लेकिन फ़ोटो में, सारी फ़ोटो में ब्लैक लहंगा आया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं इधर पूछ, ये पूज होते हैं ना, वही हो रहे हैं, आप लोग देख लीजिए कितना बड़ा फ़ोटो लगाया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। और मेरी मेहंदी कलर देख सकते हैं आप लोग, बहुत प्यारा आया था। अब मैं आपको दूसरा पेज भी दिखाती हूँ। यहाँ पर हम दोनों की एक साथ फ़ोटो है, खड़े में पूरे में, इसमें लहंगे का कलर थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन आया है। और यहाँ पर ये रेड मिरर में मेरी फ़ोटो है, और ये है हम दोनों की फ़ोटो। यहाँ पर इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर लिखा है वेडिंग मूमेंट्स। और यहाँ पर भी मेरा वही आगे जो फ़ोटो है ना फुल, वही वाला उन्होंने लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं। देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, और यहाँ पर हम दोनों का ये फ्रंट में फ़ोटो है ना, वही वाला लगा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है मेड फॉर ईच अदर स्वीट मेमोरीज। अगर एक पार्ट में हो जाएगी तो एक पार्ट में कर दूंगी मैं, और अगर दो में होगी तो मैं दो में कर दूंगी। और ये हमारे उसकी किसकी बोलते हैं आप लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ लगन बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, और तिलक होता है ना वो भी हमारे यहाँ बोलते हैं, उसी की डेकोरेशन है ये, उन लोगों के तरफ की है, आप लोग देख लीजिए पूरी डेकोरेशन। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इनकी थर्ड नंबर की सिस्टर है, ये फोर्थ नंबर वाली ये मम्मी हैं, और ये पता नहीं कौन है, ये मम्मी हैं, और इसमें ये पापा हैं, और आप लोग देख लीजिए इधर पर भी वही खाना पीना हो रहा है। यहाँ पर ये देखो मेरे पति देव, आप लोग देख सकते हैं इनको, और इनकी ये सबसे छोटी वाली बहन है, और ये सबसे बड़ी वाली बहन है, आप लोग देख लीजिए। इसमें जैसे दौड़ लगाने जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसमें पता नहीं क्यों मुंह फूला है, इसमें अलग से ही देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये देखो। यहाँ पर ये मेरा भाई बैठा है, आप लोगों को मैं अपने भाई की फोटो दिखाऊंगी, ये रहा देख सकते हैं आप लोग दोनों लोगों को, लगन सेरेमनी, लगन सेरेमनी लिखा है। और यहाँ पर देखो इनको कितनी स्माइल आ रही थी, कैसे स्माइल कर रहे हैं,
यहाँ पे देखो इनका मुंह देखो कैसा बना है, जैसे नींद आ रही हो। ये मेरे भाई हैं, इनको जैसे नींद आ रही हो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर पान खिलाया जा रहा है इस वाली फ़ोटो में, और यहाँ पर ये इनको पान खिला रहे हैं। पहले भाई ने इनको खिलाया, फिर इन्होंने भाई को खिलाया। ये तो वही, ये यहाँ पर गले मिल रहे हैं दोनों लोग। ये आप लोग देख सकते हैं इनकी फ़ोटो। अब यहाँ से मेरी स्टार्ट हो जाती है फिर से, इनका सिस्टम यहाँ पर ख़त्म। अब मेरा स्टार्ट हो जाता है। अगर एक में हुआ तो एक में दिखा दूँगी, नहीं तो दो पार्ट में कर दूँगी मैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये देख, ये भी वही एक फ़ोटो है, थोड़ा ये पूछ चेंज है। इसमें मैं मांग टीका को संभाल रही हूँ। और ये फ़ोटो देखिए इनकी, ये फ़ोटो सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है मेरे को, तो बहुत पसंद है ये वाली फ़ोटो। और ये जो कुछ होता होगा मुझे नहीं याद है अच्छे से क्या होता है ये, लेकिन हाँ कुछ होता तो है। अब यहाँ पर ये वो होती है, भिक्षा मांगते हैं ना सब लोगों से, तो वो हो रहा है यहाँ पर। हमारे यहाँ भिक्षा मांगते हैं ना, तो ये इनकी बुआ जी हैं ना जो कि भिक्षा दे रही हैं, और ये एक दादी हैं वो भी भिक्षा दे रही हैं। और ये देखो इनकी मम्मी को दिखाती हूँ, यहाँ पर ये इनकी मम्मी भी भिक्षा दे रही हैं इनको, और यहाँ पर टीका कर रही हैं। ये इनकी सेकंड नंबर वाली दीदी हैं, आप लोगों को मैंने तीन दीदियों से तो मिला दिया था, ये चौथे नंबर सेकंड नंबर वाली दीदी हैं। ये भी इनको दे रही हैं भिक्षा वगैरह क्या होता है वही। और यहाँ पर ये खड़े हुए हैं मुझे लेने आने के लिए। और ये देखो मामी, इनकी मामी रंग लगाने में लगी हैं, जो मावर बोलते हैं वही लगा रही हैं। और ये इनके जीजा जी हैं, और ये भाभी हैं, यहाँ पर डांस हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ होता है। रेडी वेडी हो गए हैं अच्छे से आने के लिए, यहाँ पर मिठाई विठाई खा के बढ़िया मस्त से आने वाले हैं मुझे ले आने के लिए। देखो आप लोग देख सकते हैं इधर पर भी, ये द्वार पर होता है कुछ चुन्नी लेकर के, हमारे यहाँ पे आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं होता है, हमारे यहाँ तो होता है, वही चल रहा है सब कुछ। और ये यहाँ पे वही वाली फ़ोटो बार बार आ जाते हैं, उसने बहुत सारी जगह एक से ही फ़ोटो लगा दी है। इसमें लिखा है ब्यूटीफुल मूमेंट्स। यहाँ पर बारात में देखो दूल्हे राजा बग्घी पर चढ़ रहे हैं, इसमें पता नहीं क्यों गुस्सा गुस्सा से लग रहे हैं। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी ये गुस्सा से लग रहे हैं पता नहीं किस लिए, इधर भी गुस्सा लग रहे हैं पता नहीं किस लिए थोड़े थोड़े से, या तो ऐसे ही मुंह बनाया हुआ कि ज़्यादा खुश स्माइल करेंगे तो सब लोगों को लगे कि हाँ पता नहीं क्यों ऐसे मुँह बनाए। यहाँ पर ये देखो बारात में डांस हो रहा है, लिखा है आजा नच ले। यहाँ पर ये देखो यहाँ पे स्माइल कर रहे हैं, इस वाली पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, इस वाली पिक्चर में स्माइल कर रहे हैं। ये छोटा सा बेबी है एक, ये हमारा एक पूज है जो कि मुझको बहुत ज़्यादा ही पसंद है, आप लोग देख सकते हैं। मैं ना कुछ पिक्चर्स भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा मूवमेंट ज़्यादा अच्छा लगा है। अभी हमारे यहाँ की डेकोरेशन है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारे घर की, हमारे घर की नहीं जहाँ से मेरी शादी हुई थी ना वहाँ की ऐसी करवाई थी डेकोरेशन, आप लोग देख सकते हैं बैलून वाली, ब्लू एंड वाइट बैलून में। और इसमें क्या लिखा है, जन्मों का बंधन। यहाँ पर ये देखो बच्चों के बीच में घिरे हुए दूल्हे राजा, मैं अपना जयमाला का ना अलग डालूंगी, पूरी शादी का मैं अलग डालूंगी, ये तो इनका ही इनका चल रहा है, इनका एक अलग डाल दूंगी मैं, अपना एक अलग डालूंगी। यहाँ पर भी ये कुछ हमारे रिलेटिव्स हैं वही हैं, और
इनको लेके अंदर आ रहे हैं बारात वेलकम। और ये देख लीजिए आप कितना प्यारा द्वार लग रहा था, मैंने तो देखा भी नहीं था, मैंने तो सीधे फ़ोटो में ही देखा कि कितना सुंदर डेकोरेशन था, मैंने देखा ही नहीं, मैं गई और झट से बस अंदर चली गई, मैंने देखी भी नहीं। अब मैं देख रही हूँ आप लोगों के साथ में अच्छे से शादी की डेकोरेशन। और यहाँ पे क्या होता है हमारे यहाँ पे जो सबके यहाँ पे होता है, आप लोगों के यहाँ पे पता नहीं क्या बोला है, हमारे यहाँ पे ये द्वार पर होता है ना, वही द्वारचार क्या होता है, हाँ द्वारचार बोलते हैं ना, उसी की रसम में हो रही है ये। कोई अंकल से बैठे हैं जो कि रिलेशन में ही होते हैं ना, वही लोग करते हैं। तो हमारे यहाँ यही आए थे ना, तो ये हमारे रिलेटिव हैं, तो यही कर रहे हैं द्वारचार की रसम। आप लोग देख सकते हैं इधर पर भी उनको कुछ दे रहे हैं, और पंडित जी भी बैठे हैं। और ये यहाँ पे टीका हो रहा है, और यहाँ पे मेरा फ़ोटो लगा दिया है। अब आप लोग मेरा लहंगा देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा था। मैंने रेड इसलिए नहीं पहना था क्योंकि रेड तो सभी लोग पहनते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा हटके कलर पहना था और मुझे बहुत प्यारा लगा था। वैसे मेरे पास रेड की भी चॉइस थी लेकिन मैंने रेड नहीं पहना। और यहाँ पर भी ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये भी वही द्वारचार की रस्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ दो तीन लोग करते हैं ना एक साथ में, ऐसे किसी किसी के यहाँ पे एक लोग करते हैं, दो लोग करते हैं, हमारे यहाँ पे दो तीन लोग एक साथ में करते हैं ना अलग अलग बैठ के, तो वो ये भी वही कर रहे हैं रस्म। और ये हमारा एक प्यारा सा फोटो सूटों के साथ अभी ये वाली एल्बम शेयर कर रही हूँ, फिर मैं ना आप लोगों के साथ एक और शेयर करूँगी वो वाली अपनी इंगेजमेंट की। और आप लोग बोलेंगे वीडियोस को, तो मैं वीडियोस भी डाल दूँगी इसके, एक दो हैं जो मेरे पास क्लिप्स, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर तो वही ये यहाँ पर मुझे डांस कराया जा रहा था शायद, ये देखो ये सारे वही पोज हैं। अपनी वीडियो का यहीं पे एंड कर दूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अब तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।